लैब नंबर 14 में हम बेसिकली वोल्ट मीटर बिल्ड कर रहे हैं लैब व्यू के अंदर बाय यूजिंग डैक. और जैसे प्रीवियस लैब में भी हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करी थी, इस लैब में हम जो है वो वोल्ट मीटर डेवलप करेंगे. वोल्ट मीटर जस्ट लाइक जैसे हमारे मल्टीमीटर के अंदर एमीटर, होममीटर, वोल्ट मीटर होता है कि आपके पास जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं वो मेजर होके डिस्प्ले हो रहे होते हैं स्क्रीन में. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिज़िकली वोल्टेज हम जो है वो सर्किट के थ्रू जो है वो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा और हम एक फिज़िकल सर्किट को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग डैक ब्लॉक, डेटा एक्विजिशन ब्लॉक, जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आप अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स को अपने फिज़िकल सर्किट्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर सकें. तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास जो है वो डैक डिवाइस चाहिए होगी, ठीक है, हमारा सेंसर या सर्किट होगा जहाँ से हमें डेटा मिल रहा होगा, और हमारे पास जो है वो कंप्यूटर पे, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं फिगर 14.1 में, कि आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम बनी है कि आपके पास सर्किट या सेंसर से डेटा जा रहा है, ठीक है, डैक में, डैक जो है वो उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे डिस्प्ले कराएगा. तो यहाँ पे हम जो सर्किट यूज़ करें बेसिकली वो वोल्टेज फॉलोअर का है. वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट आपको पता है कि इसमें हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होता है, जस्ट लाइक अ फॉर बफरिंग इस्तेमाल होता है. इसमें एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही होगी, इसमें जस्ट जो आप इनपुट पे सिग्नल दे रहे हो वही आपके पास आउटपुट पे सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी हम इनपुट पे सिग्नल देंगे वो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे आ रहा होगा. और यहाँ पर हमने जो है वो रेजिस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट हो सके, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा होगा. तो यहाँ पे हम वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट जो है वो बनाएंगे और बेसिकली हम ये सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड पे, और हम इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली डेटा एक्विजिशन जो हमारे पास बोर्ड है उसमें हमारे पास चैनल होता है एनालॉग फॉर रीडिंग एनी एनालॉग इनपुट, वहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो वो कनेक्शंस भी हम देख लेंगे. तो फ़िलहाल जो है वो एक सिंपल सी डायग्राम है, ये हमें बनानी होगी, वी आई क्रिएट करनी होगी और ये सर्किट बनाना होगा. अब इसको रन करके देखना होगा कि जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट पे जनरेट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर या नहीं. तो इसके स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, वी आई बनाने के लिए भी बताया गया है कि सबसे पहले आपने डैक का ब्लॉक लगाना होगा, वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लगाएंगे तो उस तरह की विंडो आएगी, और उसके बाद जो है वो आप ये वाली डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन आपने सर्किट बनाना होगा, इसकी जीयूआई तो पैरेलल में बन जाती है आपको पता ही है, और उसके बाद हम इसको रन करके चेक करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट गो टू दी वीआई पार्ट के हम इसकी वीआई जो है वो कैसे बनाएंगे. उसके लिए आप ये देखें, सबसे पहले हमें जो है वो लैब व्यू ओपन करना होगा. लैब व्यू ओपन करने के बाद हम एक ब्लैंक वीआई जनरेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली हम ये डायग्राम बनाएंगे. तो ये आपको पता है कि ये ब्लॉक डायग्राम होती है और ये आपके पास फ्रंट पैनल होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर्स में जाके हमने जो है वो लूप लिया, ठीक है, और व्हाइल लूप हमने यहाँ पे लगा दिया है. व्हाइल लूप का मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप जैसे एक सेम हमारे पास लूप होता है, और उसमें जो है वो, तो इसके बाद जो है वो हम डैक का ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करेंगे. तो डैक का ब्लॉक प्लेस करने से पहले व्हाइल लूप के बारे से थोड़ा सा बता दूँ. व्हाइल लूप में बेसिकली ये होता है कि जब तक इसकी कंडीशन स्टॉप की ट्रू ना हो जाए ये लूप में चलता रहेगा. इट मीन्स कि आपको रन बार बार नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने उसे लूप में इनक्लोज कर दिया तो एक दफ़ा रन करने के बाद आप उसको, उस वी आई को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं. मेजरमेंट्स में आप जाएंगे, डैक का ब्लॉक आ रहा होगा, वहाँ पर जाके डैक असिस्टेंट जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे. डैक का ब्लॉक जैसे ही प्लेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये विंडो अपेयर होगी. अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि मेक श्योर आपका जो डैक है वो कनेक्टेड हो आपके
कंप्यूटर से, यानी कि आपका जो बोर्ड है फिज़िकल बोर्ड डैक का, वो यूएसबी के केबल के थ्रू आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है। फिर आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम अक्वायर सिग्नल में जाएंगे, क्योंकि हम सिग्नल अक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम बोर्ड, और वहाँ पे हम जो है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज लेंगे, और उसमें हम जो है वो चैनल AI0, इसमें डिफरेंट है AI0 है 1, तो हम AI0 जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, और वो सेटिंग्स के लिए आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस आपने यहाँ पे 1 सैम्पल ऑन डिमांड लिखना है, और बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ये करने के बाद ये डैक को प्रॉपरली बिल्ड कर देगा, और इसमें इसके मल्टीपल पोर्ट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगी। डेटा वाले सेक्शन हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक इंडिकेटर हम लेंगे फ्रंट पैनल में जाके, और न्यूमेरिक इंडिकेटर और हमारे पास गेज मीटर, गेज मीटर हम दोनों आउटपुट के लिए यूज़ करें, यानी कि अगर हम नंबर के फॉर्म में आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिक इंडिकेटर में आ रहा होगा, और अगर हम मीटर के फॉर्म में आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो गेज मीटर के अंदर हमारे पास आ रहा होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि डेटा यानी कि इस वाले पॉइंट को गेज से और न्यूमेरिक से कनेक्ट कर देंगे, ताकि डेटा की पोर्ट पर जो भी आ रहा हो वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाए। और स्टॉप में जाके क्रिएट कंट्रोल कर देंगे, तो ये स्टॉप का बटन यहाँ पे प्लेस कर देगा, जो आपके प्रोजेक्ट को बेसिकली स्टॉप करने के लिए या प्रोजेक्ट को रोकने के लिए काम आएगा। तो ये सिंपल सी VI है, यहाँ पे इसको रन किया तो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है जो हमने सप्लाई किया था, और वो किस तरह से आ रहा है वो हम आपको जो है वो दूसरी कनेक्शन वाले में शो करते हैं कि हमने किस तरह से इसके जो है वो कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास बेसिकली नीचे आपके पास एल्विस का बोर्ड है जो मेन बोर्ड है, ठीक है, और ऊपर ये आपके पास जो लगा हुआ है दिस इज़ योर डैक कार्ड, ठीक है, ये आपका प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है, ठीक है, और ये आपका नीचे एल्विस का बोर्ड है जिसके अंदर डैक कार्ड मौजूद है, और ये USB केबल के थ्रू आप देख सकते हैं कनेक्टेड है। जो मैं कह रही थी कि जब आप डैक का ब्लॉक लो तो मेक श्योर कि आपका डैक जो है या बोर्ड जो है वो USB के थ्रू कंप्यूटर से इंटरफेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये पावर का बटन है जो बेसिकली इस बोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है, ये स्लॉट है, इसमें ये बोर्ड लगता है, अब इस बोर्ड को निकाल भी सकते हैं। पीछे एक पावर का बटन होता है जो मेन बोर्ड के लिए आपके पास जो है वो होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये इस पोर्ट को एक्टिव जैसे आप ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे इसके पास लाइट जो है वो इनेबल हो जाती है पावर की और एक्टिव की, और एक आपकी USB की होती है। अच्छा, ये आपके पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेजेस भी गिवन है, ग्राउंड भी गिवन है, डिफरेंट वोल्टेजेस, ठीक है। यहाँ से आप इसकी सप्लाई बिल्ट इन सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, DC पावर सप्लाई, अगर आपको एक्सटर्नल नहीं दे रही, वरना आप एक्सटर्नल भी दे सकते हो। तो ये उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये सिंपल ब्रेडबोर्ड है जहाँ पे आप सर्किट बना सकते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल ब्रेडबोर्ड होता है। तो यहाँ पर अच्छा ऊपर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा विजिबल शायद क्लियर ना हो, A0 ये आपका एनालॉग चैनल है जिसमें A0 प्लस माइनस A1 प्लस माइनस लेबल है, तो प्लस के लिए ऊपर वाली पोर्ट है, माइनस के लिए नीचे वाली पोर्ट है, तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, और इसका ग्राउंड अलग गिवन है आपके पास। यहाँ पे भी वेरिएबल सप्लाई मौजूद है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स भी मौजूद हैं, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखें AI पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो आप जो है वो यहाँ से एनालॉग चैनल को अपने यूज़ कर सकते हैं। ये सर्किट सिंपल वही सर्किट बनाया है वोल्टेज फॉलोअर का, यहाँ पे हमने रेजिस्टर की जगह जो है वो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो वैल्यू सेट की, तो हमने मीटर से चेक किया तो हमारे पास 10 वोल्ट्स आ रहे थे, और वही 10 वोल्ट्स जब हमने अपने इसको कनेक्ट करने के बाद रन करा तो वो यहाँ पर आपके पास जो है वो शो हो रहे थे, यानी कि जो आपने इनपुट पर दिया वो एज इट इज़ आपके पास जो है वो आउटपुट पर जनरेट हो गया। हुआ किस तरह कि वो जो A0 चैनल हमने यूज़ किया था यहाँ पे, एक्चुअली जो A0 है
उस पर आप वायर देखो जा रही है, ये बेसिकली कहाँ से जा रही है, ये जो आपके मैनुअल में डीसीवी मीटर ये वाला जो पॉइंट है ना, तो इस ये बेसिकली दिस इज़ योर आउटपुट। अगर आप इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट है और ये वाला पॉइंट जो है ना वो एनालॉग चैनल में जा रहा है, जो आपके पास आउटपुट पे जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको डिस्प्ले करा रहा है आपके सिमुलेशन पे यूजिंग ए नॉट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह से जो है वो हमने इसको यूज़ किया है और किस तरह से आपके पास ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।